भैया आपने भी वही देखा जो मैंने देखा? या ब्रो, उस रमन की बीवी इस दाढ़ी वाले के साथ पिक्चर देख के निकली है। कोई बात नहीं, आप बबलू ब्लैकी से पूछते हैं। 100 वाली 200 में भाई, 100 वाली 200 में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए, हैवी डिस्काउंट के साथ 100 वाली 200 में। अरे भाई 100 वाली 200 में। हाँ भाई। चाचा जी नमस्ते। भैया ये क्लासमेट है आपका? किन्नी बार समझाया, किन्नी बार समझाया, बाहर आके पैरी ना पिया कर, ना पिया कर, कर दे गल, कर च रहन दे। सॉरी, माफ कर दीजिए, लेकिन ये तो बताइए यहाँ पर कैसे आना हुआ? स्विमिंग करने आए हैं, अभी कूदेंगे यहाँ पे, वहाँ ऐसे डाई मारेंगे। सुन, अभी जो कम हाइट की औरत यहाँ से रंगीन कपड़े पहन के गई है ना, और जिसने जेवर डाले हुए थे भैंस की तरह, उसके साथ में वो दाढ़ी वाला आदमी था, उसको पहचानता है तू? अरे वो तो अक्सर यहाँ पर आती है, वो भी उसी दाढ़ी वाले के साथ। भैया और मैं नारायण टॉकीज में फिल्म देखने गए थे ना, भाग भौजी भाग। ड्यूटी के वक्त फिल्म देखने गया और सीना ठोक के यहाँ बात मिला रहा हमारे से? नहीं नहीं जी, लगता है ये भूल गया होगा, हम तो पोस्टर देखने गए थे। किस उम्मीद में? कि फटेगा पोस्टर और निकलेगी भौजी। ऐसी किस्मत कहाँ जी मेरी। सॉरी सॉरी, किस्मत ने छोड़, पहले तो अंदर कर ले, ये फुल अंदर है जी। मैडम टोन को छोड़िए, आप ये सुनिए कि वहां क्या हुआ। हमने तो सोचा कच्चा आंवला, पर यो तो निकला कुछ और ही मामला। हेलो, मैं क्यों नाम बताऊं यार, तुमने फोन किया, तुम बताओ नाम। हाँ बबलू। हाँ बोल। क्या वो आदमी फिर से आया? ठीक है ओके मैडम, जल्दी चलिए, वो आदमी फिर से वहां पे आया दाढ़ी वाला। लगता है मॉम वो आधी फिल्म अब 609 में दोबारा देखने आया है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्रिसमस? हाँ बस निकल रहा हूँ, बैग छूट गया था पिक्चर हॉल में। बाइक उसकी है। अरे यहाँ गया यार, चलो। एक्सक्यूज मी, यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू? यहाँ एक आदमी आया भागता भागता, दाढ़ी मूछ वाला। नहीं नहीं, मैंने तो किसी को आते नहीं देखा। वेल मॉम, वो आदमी इस ऑफिस से कहाँ हो गया? गोलिसदा हसीना है, अगर मच्छी है तो मैं हूँ झोलिसदा ही। यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता है क्या? नहीं, बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। और आने का? आने का भी एक ही रास्ता है। अरे लेकिन हमने तो यही देखा ना उस आदमी को भग के आते हुए। मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई नहीं आया। चलो Oh, my God.
आई डू फॉर यू? भाई ऐसा है कि कई बार पता है क्या हुआ है, आदमी ना मेकअप वगैरह करता है, मतलब आदमी नहीं लेडीज करे, लेकिन आदमी अगर करे और कुछ दाढ़ी मूछ टाइप चीज अगर लगावे तो उसकी गोंद से ना स्किन पे हो जाए एलर्जी। मतलब मन्ने एक्सपीरियंस है, क्योंकि बचपन में मम्मी रामलीला वगैरह में भेज देती थी तो मन्ने रावण का रोल मिलता था बिकॉज ऑफ पर्सनैलिटी, तो मन्ने हो जाता था कई बार रेस, जैसा कि टेढ़े हो गया नहीं, वो तो काल पे। अरे मेरा मतलब है कि ऑफिस किनारे नाला है बहुत गंदा सा, इसलिए मच्छर कट आ गए। मच्छर योर गोंद की चिपचिपाहट है। अरे मेरा, अरे यार आप रावण बनी, कमाल की बात है। आप बुझोगे भैया, मैं तो बनी रावण, तू तो मन नहीं बना रहे हो। अरे मौत आप पीछे को रहेगी थी, क्या हुआ? यो देखो नकली दाढ़ी और मूछ। माय गॉड, बोल के चक्कर था रमन की बीवी के संग, क्यों मिलता था उससे, वो भी भेष बदल बदल के। बोल, बताता हूँ मैडम। देखिए असल में क्या है, रमन की जो बीवी है वो ये देश छोड़ के जाने के चक्कर में है, और उसका सारा इंतजाम, मतलब पासपोर्ट, वीजा और बाहर रुकने का इंतजाम, सारा कुछ मैं कर रहा हूँ आंख मूंद के। तो पिक्चर देखने क्यों जाते थे तुम दोनों? अरे सर पिक्चर देखने नहीं जाते थे हम लोगों की, क्या है ना, सारी जो प्लानिंग होती थी वो थिएटर हॉल के अंदर ही होती थी, ताकि हमें कोई देख ना सके, पहचान ना सके और शक भी ना कोई कर सके। एक्सक्यूज मी, वो औरत तुम पे भड़क क्यों रही थी? भड़क इसलिए रही थी कि उसको क्या है ना, ये देश छोड़ के जाने की बड़ी जल्दी थी, और जिसके साथ जाना चाहती थी उसके वीजा में टाइम लग रहा था, कुछ गड़बड़ मामला था, इसलिए भड़क रही थी आंख मूंद के। किसके किसके संग जाना मांग रही है वो? वो सब तो नहीं पता, लेकिन उसका नाम सी आहूजा है। सी आहूजा, माइसेल चमन आहूजा, आई लव पूजा। कंबल हटा दू झटके से। रमन बड़ा चमन है। मैं हूं चमन आहूजा, आई लव पूजा। कंबल हटा दू झटके से। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसका इतने सालों से मुझे इंतजार था। अरे मैडम आप यहाँ मेरे मेरे घर में, कंबल हटा दू झटके से। हाँ मैं यहाँ था रे घर में, क्योंकि जहाँ क्राइम वहां चौटाला। ओहो भाई, वो तो देखो लगेज, एयरबैग, सूटकेस, विदेश जाने की तैयारी है। भाई एक काम करो, इतनी जल्दी मत बचाओ, 10-20 साल जेल में काटो फिर जाना विदेश। अरे फिर से मैडम आप कुछ भी कह रही, विदेश में, विदेश नहीं, मैं तो शिमला जा रहा था छुट्टियां मनाने के लिए। कंबल हटा दूं झटके से। भैया हमारे साथ खड़े हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग भी इनकी तरह हैं, कि हमें बेवकूफ बना लोगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी भैया। अब्बा उस एजेंट ने मन्ने सब बता दिया है कि तू कितना थर्ड ग्रेड आदमी से, अपने दोस्त रमन की बीवी के संग विदेश भागने के चक्कर में हो रहा तू। हाँ थारा और रमन की बीवी का इशक चल रहा क्यों रे, झूठा ही हो सब ना, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर रमन ने बना दिया डोगी, और रमन का माल भी ले जाके तुम लोग ऐश करने के चक्कर में हो रहे हो। व्हाट अ चीप प्लान यार। मैडम एक मिनट, देखिए मैडम मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है। पासपोर्ट नहीं है मतलब, आप सोचिए पासपोर्ट के बगैर मैं विदेश कैसे जाऊंगा, इसलिए आप खुद ही समझिए मैडम। पासपोर्ट ना है, अबे तो फिर कौन है सी आहूजा? अगर तू सी आहूजा ना है तो फिर कौन कर रहा है वो सब कांड? देखिए मैडम सी आहूजा सिर्फ मैं ही नहीं हूं, और भी कोई है सी आहूजा, मैं उसको जानता हूं मैडम। क्या हुआ डालिन,
ओ बिल्लू, मुन्ना की फीस तो हमने भिजवा दी थी। हाँ वही तो बताने आई बानी कि मुन्ना का एडमिशन हो गया बा। चलो अच्छा है। आओ मेरे। आओ। कौन है बे? बिल्ली के हाथ भी कानून के तरह लंबे हो गए हैं। भैया मुन्ना का एडमिशन हो गया है, अब स्कूल जाएगा वो और बड़ा होके आपकी जगह नौकरी करेगा। अच्छा सुनो है? एक खुशखबरी बा। खुशखबरी? हाँ सुनाओ सुनाओ जल्दी सुनाओ। तनिक कान इधर लावा। सच्ची डाली? हे भोले भंडारी, बहुत बहुत धन्यवाद यार। डाली तुम्हें पता नहीं है ये खुशखबरी सुना के तुमने हमें कितनी खुशी दी है, कितनी खुशी। थैंक यू। लो खुशखबरी भी आ गई। भैया इस तरह इतनी खुशी से शर्माते हुए कोई औरत कब भागती है? Well, जब 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 ना जब जब बोलिए ना भैया कब। क्या बात कर रहे हो? मॉम ये सच कह रहा है, सर की ताश की गड्डी में कई बैग में है। हाँ मैडम उनका कई जगह लप्पा झप्पा है, टिंचू टिंचू टाए टाए लपड़ लपड़ जाए जाए भी है मैडम। यार व्हाट इज दिस लैंग्वेज यार। या मॉम हम सच कह रहे हैं सर, उसके साथ ना डार्लिंग डार्लिंग करके बात कर रहे थे और मुन्ना की फीस भी भर रहे हैं और वो डार्लिंग ना उनको जाते जाते कोई खुशखबरी भी सुना के गई है। कौन है घटिया में चौटाला? आप ही की बात हो रही है सर, आप ऐसे हैं? जी हाँ हम तो ऐसे ही हैं और जैसे हैं वैसे ही आपके सामने भी हैं, लेकिन हम हैं कैसे? हमारा मतलब है आप जो हैं हमारे बारे में क्या कहना चाह रही हैं भाई? मुन्ने की फीस भर दी आपने? हाँ भर दी। लो और डार्लिंग से खुशखबरी भी सुन ली। डार्लिंग से खुशखबरी भी सुन ली। फिर लो एक मिनट मैं चौटाला आपको ये मुन्ने के बारे में डार्लिंग के बारे में कैसे पता चला? ओ बिल्लू हमने बताया है क्योंकि सर हमें सब पता चल गया है कि आपकी छतरी में कितने छेद हैं। ऐसे तो आप बड़े शरीफ और कुंवारे बनते हैं सर। अबे हम कुंवारे नहीं हैं, समझे? कुंवारा बाप? अबे काय का कुंवारा बाप यार, हम सिर्फ कुंवारे हैं, नो बाप बाप, ओके? अफसोस सर आपकी बंदूक अब खाली हो चुकी है, आपकी कुल्फी पिघल चुकी है सर। अब बिना बहाना बनाए सच सच बता दीजिए कि डार्लिंग आपकी वो अभागन बीवी है जिसे आपने कभी बीवी बनने का मौका नहीं दिया। मुन्ना मुन्ना आपका वो मुन्ना अजीज बच्चा है जिसे आपने कभी मुंह पे पापा कहने का मौका नहीं दिया। चुप करो, अब हम ये सब नहीं सुन सकते यार। मैं चुड़ैल, व्हाट इज दिस? हाँ करने में सब कर सके आप, लेकिन सुनने में लग रहे हैं कांटे। हाँ लग रहे हैं कांटे, क्योंकि ये सब लोग जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं भाई। ये जो डार्लिंग है ना, दरअसल उसका नाम डार्लिंग है, डार्लिंग द्विवेदी, और वो हमारे दोस्त की वाइफ है मिसेज, और जो मुन्ना है ना वो हमारी दोस्त का बच्चा है, बचवा द सन। हमारे दोस्त ने डार्लिंग से शादी की, मुन्ना को दुनिया में लेके आया लेकिन खुद जेल चला गया, और वो डार्लिंग जो है वो मुन्ना को कुछ बता नहीं पा रही है कि उसका बाप कौन है, क्या कर रहा है। हाँ, वो
वो खुशखबरी की बात कर रहे थे आप लोग। खुशखबरी ये है कि हमारा दोस्त जो है वो बेकसूर साबित हुआ है, ओके? और उसके बाद वो जेल से छूट के बाहर आ रहा है, और आप लोग ना जाने क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या। सर आप सच कह रहे हैं सर? आपकी कसम में चौटाला, आपकी कसम। ये सब बातें तो होती रहेंगी मैडम, ये नया केस आया था एक। और मारिए। ओ बिल्लू। आई 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 आई। सॉरी मैडम, सॉरी। ओबी। सर मन में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई सर। यो। थैंक्स टू चौकी की केकई और मंथरा। आई एम सॉरी सर। कोई बात नहीं मैं छुटा ला। ऐसे बड़े बड़े चौकियों में छोटी छोटी गलती होती रहती है। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स, ओके? ओके सारू। हीरिंग। हम अभी आए। सी आहूजा वाले केस की गुत्थी सुलझा ले। जी। चौकी में बुलवाओ और रमन और उसकी बीवी ने। अरे भाई भागने की फिराक में तो कई लोग हैं। मैडम आपने हम लोगों को अचानक कैसे बुलवा लिया? रमन बड़ा चमन है। देखो ऐसा है कि तुम्हारी वो जो गाड़ी खोई थी हमने ढूंढ निकाली। उसका एक्सीडेंट हो गया और तुम्हें हम क्लीन चिट दे रहे हैं तुम्हारे हस्बैंड को, क्योंकि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट होने के सदमे की वजह से ही वो डागी बन गया। मैडम आपके लिए मेरे फोन पे कोई फोन है, आपकी कोई खास फ्रेंड है शायद। हेलो हैं जी हैं? अब क्या बात कर रहे हो? ओके ओके। Well, mom, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the है? अरे यार ये हमारे दोस्त का फोन ना था, इंटेलिजेंस से फोन था। किसी ने चौकी में टाइम बॉम्ब लगा दिया, टाइम बॉम्ब। मैडम जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें बॉम्ब को ढूंढना होगा। हाँ यो तो मैंने सोचा ही नहीं। नहीं लेकिन कैसे करेंगे? नहीं मतलब जब तक हम हेडक्वार्टर फोन करके स्नीफर डॉग ने मंगवाएंगे जो सूंघ के पता लगा लेगा कि बम कहाँ रखा है, तब तक कहीं फट ना जाए ना। मॉम पुलिस का डॉग ना सही, लेकिन ये अपने जो कुत्ता जी हैं ये तो काम कर सकते हैं ना। ये क्या कह रहे हो तू? हा? तो सही तो कह रहे हैं, अब तुम्हारा हस्बैंड डागी हो गया तो काम तो आए, सूंघ के बता देगा, सबकी जान बच जाएगी। मतलब हम लोग सब ना बाहर चले जाते हैं और इनको डॉगी जी को अंदर छोड़ देते हैं, इनको बॉम्ब मिलेगा तो ये ऐसे भौंक लेंगे। वो वो वो। तो फिर मैडम आके आप बॉम्ब डिफ्यूज कर दीजिएगा। कम ऑन डॉगी, बाक बाक बाक। चलो 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 लाइटी, चलो भौंक देना, भौंक देना। चलो 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 यार, घंटी फटना है क्या? चलो चलो यार चलो। क्या क्या करूं मैं? मैं क्या करूं मैं? अरे खोलो खोलो, मुझे छोड़ के मत जाओ, खोलो खोलो। शाबाश, डॉगी इंसान बन गया। देखो तो मैडम, सदमे की वजह से मेरे हस्बैंड जो डॉगी बन गए थे वो फिर से इंसान बन गए। पागल। रमन बड़ा चमन है। रमन चमन ना है बल्कि रमन है बड़ा चेंटू, यानी चेंटू आहूजा, यानी सी आहूजा। एक और नाम है ना थारा चेंटू, जिस नाम से तेने पासपोर्ट भी बनवाया है। हमने सब पता कर लिया है,
तुमने बैंक से करोड़ों रुपए का लोन लिया है और जिसे तुम लौटाना नहीं चाहते। और भाई इसलिए तुमने एक बढ़िया प्लान बनाया। कानून और बैंक की नजरों में तुम कुत्ता बन गए ताकि सब बोले कि भाई अभी यो तो पागल हो गया, यो कैसे लोन चुकाएगा। और फिर दोनों मियां बीवी डायरेक्ट विदेश, अपनी बाकी की जिंदगी ऐश में काटने की। व्हाट अ घटिया प्लान यार। वेल, खत्म हो गया तुम्हारा खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। बिल्लू, दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना। यू आर अंडर अरेस्ट। नहीं।